शुरू करने जा रहे हैं करेंट जी के। अगर आप यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमबीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसआई, यूपीएसआई कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो जनवरी 2021 से है ये, जनवरी 2021 से, क्योंकि मैंने 62 पेजेस तैयार किए हैं, मतलब केवल 62 पेज में, तो जून 2021 तक का। तो शुरू के मतलब 52 पेज नंबर 52 से मैं पहले करा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को भी देख लेना। आप शुरू की 13 पेज में इस वीडियो में लेने वाला हूँ। शुरू करते हैं। मिशन सागर सेकंड इंपोर्टेंट है काफी। बाय दिस मिशन इंडियन गवर्नमेंट इज असिस्टिंग सूडान, इरिट्रिया, जिबूती टू ओवरकम नेचुरल कैलिमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए मिशन सागर सेकंड में मदद की है। किस किस की? भारत ने, सूडान की, इरिट्रिया की और जिबूती की। इससे आगे चलते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है मिशन सागर, SAGAR सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस क्षेत्र में ये जो हमने बात की थी यहाँ की, इरिट्रिया की, सूडान की, जिबूती की मदद के लिए, तो वो जो मिशन सागर सेकंड चलाया है उसका फुल फॉर्म बता देते हैं। सागर, SAGAR सागर का क्या मतलब है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगले क्षेत्र की बात करते हैं, बुल स्ट्राइक। बुल माने होता है सांड, मतलब शक्तिशाली होता है। तो यहां पे हमें समझना पड़ेगा, तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास है, तीनों सेनाओं का, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी का, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास है। कहां पे हुआ है? टेरेसा आइलैंड। देखो पहले यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है कि टेरेसा आइलैंड कहां स्थित है। तो टेरेसा आइलैंड इन निकोबार ग्रुप, निकोबार द्वीप समूह में टेरेसा आइलैंड पर तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ है, जिसका क्या नाम दिया है हमने? बुल स्ट्राइक। बुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EOS-01 इसरो लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाले लोगों का काम चल जाएगा। अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 पहला है। किससे लॉन्च किया है? PSLV-C49 से। किससे लॉन्च किया है? PSLV-C49 से। मैं थोड़ा ये अगर मिल जाए तो पेन भी काम देगा, यहां से थोड़ा आपको मदद मिल जाएगी। PSLV-C49 से लॉन्च किया है। इट विल सपोर्ट एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कृषि में, आपदाओं में यह मदद करेगा। आगे चलते हैं इससे। ये पेज नंबर दूसरा आ गया है। चलिए, तुम बहुत बुरे हो, यहां से थोड़ी ट्रिक शुरू हो जाएंगी। एक बुरेवी चक्रवात आया जिससे प्रभावित हुआ तमिलनाडु। क्या प्रभावित हुआ? तमिलनाडु। दिसंबर 2020 में आया है, और निवार चक्रवात नवंबर 2020 में आया है। तमिलनाडु और पांडिचेरी इससे प्रभावित हुए। तो मैंने आपसे कहा, हिंदी माध्यम के छात्र जितने भी हैं, निरय शब्द का अर्थ अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, निरय शब्द का अर्थ अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। ये थोड़ा जबर्द, अब आप इसे समझिए। मैंने आपसे कह दिया है कि तुम बहुत बुरे, निरे शब्द का अर्थ होता है बहुत, ठीक। तो तुम निरे बुरे हो। तुम तमिलनाडु, तुमसे क्या निकाला? तमिलनाडु। निरे का मतलब निवार चक्रवात, निरे का मतलब क्या है? निवार चक्रवात। बुरे का मतलब बुरेवी चक्रवात। बुरेवी चक्रवात से और निवार चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की लोकेशन आपको पता ही है। अगर ऐसे भी आ जाए पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा, तभी भी आप जवाब दे पाएंगे। एक और चीज समझिए, बमाको और गोनी चक्रवात है, ये विश्व करंट में आ जाएगा, ठीक है। बमाको अंतरराष्ट्रीय घटना है। बमाको और गोनी चक्रवात नवंबर 2020 में आया है, दोनों से प्रभावित हुआ है फिलीपींस। बमाको तथा गोनी चक्रवात से फिलीपींस प्रभावित हुआ है। ऐसे ही ट्रिक से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमबीपीएससी, संपर्क कीजिए आरएमयू। आगे चलते हैं इससे, इसे मिटा ही देते हैं। सेलेक्ट रबड़। थोड़ा
देखिए, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जनपद है हाथरस जनपद, अलीगढ़ जनपद के नजदीकी जनपद पड़ता है एटा। एक कलाकार हैं निरहुआ, बिहार के कलाकार हैं निरहुआ, जो भोजपुरी में बहुत अच्छा गाते हैं, अदाकारी भी हैं। तो मैं अपनी मम्मी से कहा है, मम्मी को अम्मी भी बोलते हैं, अम्मी निरहुआ एटा से लौटा, अम्मी निरहुआ एटा, निरहुआ नाम है उनका भाई, निरहुआ एटा से लौटा। एक चक्रवात का नाम है एटा और एक चक्रवात का नाम है लोटा, दोनों दिसंबर 2020 के हैं, लोटा चक्रवात और एटा चक्रवात। क्या इससे प्रभावित हुआ? अमेरिका, मध्य अमेरिकी जो देश है वे निरहुआ और निकारगुआ, निकारगुआ और मध्य अमेरिका इससे प्रभावित रहे, एटा चक्रवात से और लोटा चक्रवात से। पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं, पूरी वीडियो 13 पेज तक चलने वाली है, इसके अलावा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट मैं पहले आपको दे चुका हूं। थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवाणे, एमएम नरवाणे भारतीय थल सेना प्रमुख है। शीतल निवास क्या हुआ था, नेपाल दौरे पर रहे, तो नेपाल के राष्ट्रपति आवास को क्या कहा जाता है, तो शीतल निवास कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतल निवास। वहां की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि अभी कुछ निर्णय होना है, तो प्रधानमंत्री अभी आप याद मत रखिए। थर्ड, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, यहाँ चेक स्पेलिंग सही कर लेना, चेक पोस्ट। हम लोगों ने, दोनों देशों ने मिलकर, भारत और नेपाल ने मिलकर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई है, तीसरी, कहां पे? बाय इंडिया एंड नेपाल एट नेपालगंज में, डिएगो माराडोना। अभी स्वर्गवासी हो गए, तो आपको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि वे किस देश से खेलते थे। आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि फुटबॉल खेलते थे, माराडोना किस देश से खेलते थे, तो अर्जेंट मारो यार, तुरंत फीड दो, तुरंत मार दो, अर्जेंट अर्जेंटीना मारो, माराडोना। माराडोना कहां से खेलते थे? अर्जेंटीना से। आगे आते हैं, लीलावती पुरस्कार बहुत इंपोर्टेंट है, लीलावती अवार्ड 2020 ये किस लिए दिया जाता है, पहले तो फील्ड याद करिए। लीलावती गणित की किस तरह, आपको भास्कराचार्य की पुस्तक है लीलावती, तो वो तो खैर छोड़िए, लेकिन यार गणित से इसका कोई मतलब नहीं है। लीलावती पुरस्कार जो दिया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, किस लिए मिल रहा है? महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा में नवाचार, महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा में नवाचार के लिए दिया जा रहा है। श्री रमेश पोखरियाल निशंक, तत्कालीन जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे लॉन्च किया था। अब पेज नंबर 4, एक फेरा फेरी सर्विस होती है, उसमें क्या है, जाना है और आना है। पहले क्या था, गोगा भावनगर से हजारी सूरत तक, हजीरा सूरत तक यू घूम के जाते थे, तो यहां से एक सिप सिप जाएगा और लौट के आएगा, इन दोनों के बीच में समय कम हो गया, फेरा फेरी सर्विस इस बात को बोल रहे हैं। रॉ पैक्स फेरी सर्विस पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, आरओ पैक्स टर्मिनल बिटवीन हजीरा एंड गोगा, हजीरा यहां है और गोगा यहां है, यहां से यहां तक के बीच एक सिप चलेगा। कहां से कहां तक चलेगा? हजीरा सूरत से गोगा भावनगर तक। आप इसे समझिएगा, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, पब्लिक अफेयर सेंटर एनजीओ रिलीज दिस इंडेक्स, मतलब ये है कि एक एनजीओ है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर, वो एक एनजीओ है जिसने ये रिलीज किया है। केरला द बेस्ट गवर्न स्टेट इन कंट्री, इस एनजीओ ने यह माना है कि सबसे अच्छा गवर्न करने किया जाने वाला राज्य जो है वो केरला है। चंडीगढ़ द बेस्ट गवर्न यूनियन टेरिटरी इन कंट्री, देश में सबसे अच्छी गवर्न की जाने वाली जो संघ शासित राज्य है वो है चंडीगढ़। गोवा रैंक फर्स्ट इन स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी, गोवा को पहला स्थान दिया गया है छोटे राज्यों में। अब यहां से एक सखारो पुरस्कार है, बहुत इंपोर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन इसे प्रदान करती है, तो बेला, बेला नाम की एक लड़की आपके आसपास जरूर रहती होगी, नहीं है तो मान लीजिए आप, ठीक है, बेला मेरी सखा है, बेला सखा है, बेला मित्र है, सखा का अर्थ होता है मित्र, सखा। सखारो पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, बेलारूस की अपोजिशन को प्राप्त हुआ है, डेमोक्रेटिक अपोजिशन इन बेलारूस को सखारो पुरस्कार दिया गया है। कौन देता है? यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेजेंट दिस अवार्ड, यूरोपियन पार्लियामेंट इस अवार्ड को देता है। चांग ई फाइव क्या है? चांग ई फाइव लूनर मिशन, मतलब चंद्रमा का मिशन है चाइना का। अलीमदार जो है वो पाकिस्तान के हैं, हाईएस्ट ऑन फील्ड एम्पायरिंग रिकॉर्ड बनाया है ओडीआई में, मतलब वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक मैचों में एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर बन गए हैं अलीमदार। आरबीआई बिकम्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू हैव 1 मिलियन फॉलोअर ऑन ट्विटर, 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं आरबीआई का, मतलब पूरे विश्व में किसी भी सेंट्रल बैंक के इतने फॉलोअर नहीं है जितने आरबीआई के हैं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है,
पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड द यूनेस्को बायोस्फीयर, ये आएगा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पे एक और प्रश्न बड़ा इंपोर्टेंट है, नाम है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का है, पहली बात तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को टी इंटू टू टाइगर को दुगना करने का अवार्ड दिया गया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व टी इंटू टू पुरस्कार। जल्लीकट्टू मलयालम फिल्म है, जल्लीकट्टू इसको घोषित किया गया है भारत की ऑफिशियल एंट्री 93 अवार्ड अकेडमी अवार्ड्स में, 93 में अकेडमी अवार्ड्स के लिए मलयालम भाषा की जल्लीकट्टू को भारत की औपचारिक एंट्री अर्थात भारत की ओर से भेजी गई फिल्म थी। आगे ये आईपीएल वाले प्रश्न हैं और क्योंकि हाल ही फिलहाल में आयोजित हुआ है तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जीता कौन है मुंबई। दिल उपविजेता कौन रहा, दिल्ली। मुंबई के दिल में बोल्ट लगा है। बोल्ट ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे, लगा है। कहां आयोजन हुआ, दुबई में। जीता कौन, मुंबई विजेता, दिल्ली उपविजेता। कुल टीमें कितनी खेली, तो यहां आप थोड़ा ये अलग ही फैक्चुअल है क्योंकि ये सब चीजें तो सब लोग ध्यान देते हैं, कुल टीमें कितनी खेली इस पे कम लोग ध्यान देते हैं, तो 8 टीमें खेली थी इस बार आईपीएल में। फॉर्मूला वन चैंपियन 2020 ल्यूक लेविस हैमिल्टन। आगे आते हैं एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन 2020 अमेंडवर्ग वेलेगन ने जीती है एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन 2020। आगे आ जाते हैं, जग में हैंडबॉल खेलते हैं ए के जगमोहन हैंडबॉल, प्रेसिडेंट ऑफ हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है, जगमोहन राव। इससे आगे आते हैं सामंत वॉलीबॉल खेलते हैं तो अच्युत सामंत जो है वो प्रेसिडेंट है किसके, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ज्ञान होगा तो हॉकी खेल लोगे, ज्ञान नहीं होगा तो हॉकी नहीं खेल पाओगे। ज्ञानेंद्रो निंगोबम है किसके, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निंगोबम। प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आदिले सुमारीवाल। दिल से एथलीट बनो, थोड़ा आपको याद आ जाएगा कि आदिल उसका नाम है। यहां से आ जाते हैं मानव विकास सूचकांक वीडियो पेज नंबर 7। जिसको भी ये सारा पीडीएफ में या पेजेस में चाहिए, मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए ट्रिक का कंसेप्ट कहां से आ जाता है, बड़ा अच्छा ये काम करने वाला है, मैं इसे पूरा समझाता हूँ। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है तो अब एक तो उनका विकास ही ना होगा, विकास के पीछे आजकल जनता पागल हुई जा रही है, पक्ष वाले विपक्ष वाले तरीके तरीके के नारे दे रहे हैं, विकास पता नहीं क्या क्या जो लोग कहते हैं। अब एक तो 131वां स्थान है भारत का विकास मानव विकास सूचकांक में, ना नार्वे पहले स्थान पर है, नाइजर अंतिम स्थान पे, ना से क्या निकाला नार्वे, ना से क्या निकाला नाइजर। अब इसके तीन आधार हैं, ये अभी 2019 में ही पूछा गया था। LIE, लाई माने होता है झूठ बोलना, लाई L फॉर लाइफ, I फॉर इनकम, E फॉर एजुकेशन, लाइफ इंडेक्स, इनकम इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स, तीन इसके आधार हैं। 2019 में जो स्थान था, मैंने कहा उनका विकास नहीं हुआ, 129वां था। 2019 में क्या स्थान था भारत का, 129वां इसी सूचकांक में, नार्वे तब भी पहले स्थान पे था। अब यहां दो तीन प्रश्न और बनते हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 यूएनडीपी ने जारी किया है 0.645 दशमलव, भारत देखो डिजिट बड़ी सरल है 6.45131। मूल्य के आधार पर भारत को मध्यम मानव विकास किस श्रेणी में, मध्यम मानव विकास वाली श्रेणी में रखा गया है। HDI की अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक व भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमर सेन ने दी थी। UDI 2020 में नार्वे प्रथम स्थान पर है, वहीं नाइजर को अंतिम स्थान प्राप्त है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे, 13 पेज की पढ़ाई हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर इसी तरीके से आप UPPSC, BPSC, RAS, MP, PSC के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी तैयार करना चाहते हैं तो नोट्स खरीदने की लिंक दी गई है। प्रत्येक सब्जेक्ट को ट्रिक से, मतलब
सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्लियर करा दिया गया है, जहां मतलब आपको फैक्ट पूरे याद रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कुल 163 देशों के लिए जारी हुआ। कुल कितने देशों के लिए जारी हुआ? 163 देशों के लिए। आतंकवाद से शीर्ष प्रभावित देश है अफगानिस्तान। भारत का स्थान है 8वां और दूसरे पर है ईरान। आगे आ जाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल अम्मी रॉबर्ट ने मिल नीलाम कर दी। अम्मी रॉबर्ट ने कई सारे तरीके से प्रश्न बनते हैं यहां से, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अम्मी रॉबर्ट ने मिल नीलाम कर दी। अम्मी अमेरिका के हैं। रॉबर्ट भी विल्सन मिलग्रॉम पॉल और मिलग्रॉम नाम है। नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं इससे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में हुई। पहली बार यह 1969 में प्रदान किए गए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, वास्तव में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के शुरुआती 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है, और जिसका भी स्थान चौथा या टॉप कहिए वह स्वीडन को प्राप्त हुआ है, और भारत का स्थान है इसमें 10वां। इसे कौन जारी करता है? जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी। 3 लोग हैं, जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी होता है। देखिए यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहित्य का नोबेल, ग्लू माने होता है गम या गोन। अम्मी ग्लू सही है। अम्मी का मतलब हमें यह भी याद रखना होता है ये किस देश के निवासी हैं, घुमा के पूछ सकता है, 3 लाइन बना के दे सकता है, तो वो सब चीज याद रखनी है। अम्मी ग्लू सही है। अम्मी का मतलब अमेरिका का है। ग्लू ग्लू ग्लूइस सही का मतलब क्या है? साहित्य का नोबेल 2020। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ग्लू ग्लूइस को दिया गया है या अमेरिकी लेखिका है। अब आप बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार की। नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है 2020 का। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व खाद्य कार्यक्रम FAO की। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1900 में। 1901 में यह पहली बार दिए गए थे। वो अर्थशास्त्र का नोबेल बताया था। रॉबर्ट ने मिल नीलाम कर दी, हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं रसायन के नोबेल पे। देश भी याद रखने हैं, कहां के निवासी हैं यह भी याद करना है। अमीजान कारपेंटर रसायन में फंस गया। हम किसकी नोबेल याद कर रहे हैं? रसायन का। रसायन का मतलब कारपेंटर माने बड़े, बड़े ही ना फंस गया है। बड़े क्या हो गया है? फंस गया है। तो अमीजान अमेरिका के हैं। जेनिफर डाउडना या दौड़ना कहीं लिखा हुआ है। अमेरिका के हैं जेनिफर डाउडना। कारपेंटर इमैनुअल कारपेंटर ये फ्रांस के हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, अमेरिका के जेनिफर डाउडना और इमैनुअल कारपेंटर जो है वो फ्रांस के हैं। इनको आप कहीं नोट कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। ये सब JPEG में आपको अवेलेबल हो जाएगा फ्री में, इसके कोई पैसे नहीं देने। 9997295322 पे आगे आते हैं। भौतिकी का नोबेल एंड्रिया हैजर ओजेनरेन। एंड्रिया या हम लोग एडी जो बोलते हैं वहां से आप थोड़ा समझिए। एंड्रिया हैज ए रोज इन रेन। रोज माने गुलाब है, बरसात में गुलाब है एंड्रिया के पास। एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल। रेनहार्ड गेंजेल ये संयुक्त रूप से 3 नाम बना के आएंगे, प्रश्न सीधा नहीं आएगा कितने लोगों को मिला है। तो एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। ये मैं आगे याद कराने वाला हूं कि अमेरिका के कितने हैं, इंग्लैंड के कितने हैं, तो ये आगे याद कर लेंगे। रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज अमेरिका के हैं, दोनों को दिया गया है। एंड्रिया हैज ए रोज इन रेन, ये हमें याद हो गया फिजिक्स का नोबेल। चल बे माइक चला, माइक नहीं चलेगा तो मेरी आवाज भी आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। चिकित्सा के नोबेल की बात करते हैं। हाँ बे माइक चला। हार्वे जे ऑल्टर, पहला आदमी का नाम है हार्वे जे ऑल्टर। माइकल यूटन चला। चार्ल्स एम राइस, 3 लोगों को दिया गया है। चार्ल्स एम राइस, माइकल यूटन और हार्वे जे ऑल्टर, 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से क्या याद हो जाएगा बेटा, रोज माइक हटा बेटा, तो ये अगर प्रश्न आता है ये यहां के निवासी थे, तो केवल 2 ही लोग हैं, रोजर पेनरोज और माइक यूटन ब्रिटेन के, बाकी का एक इमैनुअल जो है वो फ्रांस के हैं, बाकी का सब अमेरिका के हैं। रोजर पेनरोज, माइक यूटन ब्रिटेन से हैं, संबंधित है, बाकी सब अमेरिका से हैं।
आप ये बड़ा इंपोर्टेंट है, 12वां पेज है अंतिम, नहीं इसके बाद 13वां भी करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कौन से 59वें चुनाव हुए हैं, कौन से चुनाव हुए हैं 59वें राष्ट्रपति चुनाव। बाइडेन में दम है, बाइडेन की पार्टी का नाम क्या है, जो बाइडेन, पार्टी का नाम क्या है, दम, डेमोक्रेटिक। जो बाइडेन 59वें 46वें राष्ट्रपति है, 46वें राष्ट्रपति है, चुनाव 59वें है। जो बाइडेन में दम है, बाइडेन में दम है तो इनकी पार्टी का नाम क्या है, दम, दम हो, डेमोक्रेटिक। कल कमला से मिलेंगे, कमला हैरिस बड़ा इंपोर्टेंट नाम है, प्रश्न आएगा ये कहां से सांसद है, कल कमला से मिलेंगे। कल कैलिफोर्निया, कमला, कमला हैरिस, इनकी जो किताब है द ट्रुथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी, ये भी इंपोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखनी है। यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी के लिए संपर्क करें RMU 9972952। ये है युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार 2020। ब्राजील की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अराउजे, राम की बाजी को कोरोना हो गया, हमें कोरोना हो गया, दूसरा क्या है, हमें देश भी नाम याद रखना है, कहां की निवासी है और क्या पुरस्कार मिला है। रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, ब्राजील की निवासी कोरोना कैरोलिना अराउजे, बड़ा चर्चा में है कोरोना, कुछ तो याद हो इससे। ये है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट है बहुत, रंजीत सिंह देसाले हैं महाराष्ट्र के। वारके फाउंडेशन यूके ब्रिटेन द्वारा प्रदान किया जाता है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, बस ये अंतिम है, आगे अगली वीडियो में मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020, शांति पर रहम करो भाई, रहम करो, शांति करो, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, रहमत रहमान नाम है इनका, पूरा नाम है रहमान, कहां के हैं, बांग्लादेश के। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 रहमान को दिया गया है, निवासी है ये बांग्लादेश के। चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, किसी का कोई भी प्रश्न हो, कोई चीजें याद ना हुई हो, अगर आपको